नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। नोटबंदी के बाद और कैशलेस की छाया में सरकार ने आज 2017-18 का बजट पेश कर दिया, लेकिन अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसका ब्यौरा नहीं दिया कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ और डिजिटल ट्रांजैक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई। हालांकि अब ये स्पष्ट है कि सरकार को कोई विंडफॉल गेन नहीं हुआ, लेकिन इस बजट में सरकार ने जिन चार सेक्टर्स को राहत देने या सहारा देने की कोशिश की है, उससे स्पष्ट है कि नोटबंदी के असर से होने वाली मंदी से सरकार भी भलीभांति सहमत है। ये चार सेक्टर्स हैं रूरल, रियल एस्टेट, छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर और बैंक। सरकार ने इस बजट में इन सेक्टर्स पर खास ध्यान देने की कोशिश की है। रूरल सेक्टर का बजट बढ़ाने से लेकर एफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने और एमएसएमई सेक्टर में टैक्स की 5% की रियायत, साथ ही बैंकों को 10,000 करोड़ का रीकैपिटलाइजेशन का सहारा देना, ये दर्शाता है कि सरकार नोटबंदी से प्रभावित हुए इन सेक्टर्स को लेकर संजीदा है। हालांकि इस बजट में सरकार का पूरा जोर कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर दिखा है। IRCTC के जरिए बुकिंग में सर्विस टैक्स की छूट, 3 लाख रुपए से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर पाबंदी आदि को इसी नजर से देखा जा रहा है। नोटबंदी के बाद सरकार ने जोर शोर से बात उठाई कि देश में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, इसका क्या रोडमैप बनाया, ये नहीं पता चल सका। बजट से पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाने की हवा भी खूब चली, लेकिन सरकार इस पॉलिटिकल एडवांटेज को लेने से बची। तो आज हमारे मेहमानों से हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद चंदन मित्रा, हमारे साथ हैं सुनील सिन्हा, आप इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हैं रिता ब्रता बैनर्जी, आप CPM के सांसद हैं राज्यसभा में, और कुछ ही देर में हम कांग्रेस के नेता MV राजीव गौड़ा के साथ जुड़ेंगे। राजीव गौड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन मित्रा जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूं, हमने कहा कि नोटबंदी और उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की जो बात कही गई थी, उसी की छाया में इस बजट को पेश किया गया है, और जिन सेक्टर्स पर सरकार ने ज्यादा जोर देने की कोशिश की है वो नोटबंदी के असर में सबसे ज्यादा रहे, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे रूरल सेक्टर हो, फार्मिंग भी उसी में हम ले सकते हैं, उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित माना गया। तो क्या सरकार इसे एक्नॉलेज कर रही है कि एक्चुअली नोटबंदी का असर इन सेक्टर्स पे पड़ा? इससे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं संशोधन करना चाहूंगा, मैं वर्तमान में सांसद नहीं हूं, मेरा सांसद का कार्यकाल पिछले साल सितंबर में समाप्त हो गया, तो मैं पूर्व सांसद हूं। जी जी। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कहिए या नेता कहिए, जो मैं हूं अभी। जी जी। मेरा ये मानना है अमृता जी कि इस बजट को नोटबंदी के नजरिए से जो आप देखना चाह रही हैं वो शायद सही नहीं है। नोटबंदी एक हिस्सा है, ये तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी बात हो गई, नोटबंदी हुआ और काला धन निकालने के लिए सरकार ने सार्थक कदम उठाए, तो इसका असर तो पड़ेगा ही, लेकिन सरकार ने अर्थनीति को एक पुरजोर तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, और साथ साथ गांव गरीब किसान को सामने रखते हुए और मध्यम वर्ग के लोगों को सामने रखते हुए बहुत सारी रियायतें सरकार ने दी है, और मैं समझता हूं कि इसीलिए ये बजट, इसको हम एकदम लोक लुभावन अगर नहीं भी कहते हैं, लेकिन ये समाज के सभी तबकों को खुश करने का और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला ये एक बजट है। जी राजीव गौड़ा साहब, क्या आप चंदन मित्रा जी की इस बात से सहमत हैं? जरूर नहीं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद सारी इकोनॉमी में बहुत नाश हुआ है, और ये डैमेज कंट्रोल बजट है। और देखिए, जो लोग शहर में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे वो वापस गांव गए हैं, और इसलिए मनरेगा के लिए डिमांड और बढ़ा है, और इस बढ़ा हुआ डिमांड को मीट करने के लिए सरकार
इस मनरेगा को एक रिकॉर्ड अमाउंट एलोकेट किया है, पर इसमें और भी नीचे जाते तो देखते हैं कि 14,000 करोड़ मनरेगा एरियर्स है, और ये उसको पहले पे करने के बाद उतना नहीं रहेगा। और दूसरा वैसे अगर 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 इसके इंडस्ट्रीज इसके माइन्यूट डिटेल्स में जाए तो मनरेगा में मैक्सिमम 500 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, और जिस हिसाब से पिछले दिनों डिमांड बढ़ा है उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये जो एलोकेशन है ये पर्याप्त है? ये जो बोल रहे हैं जेटली जी, वो उतना नहीं मिलेगा मनरेगा के लिए क्योंकि बहुत अरियर्स है। और हमें और भी देखिए, जे ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज तो कारखाने को वो उस सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है। अब अनेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शट डाउन हुआ है, और उसके लिए जो फॉर्मल सेक्टर में रजिस्टर हुआ है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है टैक्सेशन में, बट उन लोगों को इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं है। सो उसको भी उतना सुधार नहीं होगा। और ये टैक्स रेट जो कम हुआ है इससे थोड़ा सा एडवांटेज होगा गरीब लोगों के लिए, जो मध्यम वर्ग के लिए, जिन लोगों को 3 लाख की छूट मिली है। डैमेज कंट्रोल बजट है, और अनेक रूप में ये एक हाइप है और रियलिटी दूसरा है। मैं बात करूंगा उसके बारे में। जी जी जी, रियलिटी जो है उस तरह की क्या मतलब, वास्तविकता से कहीं आंख चुराने की कोशिश है जैसा कांग्रेस का दावा है इस बजट में? बजट तो कॉन्ट्रैक्टरी बजट है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप हम लोग देखेंगे कि टोटल साइज ऑफ द बजट अगर हम लोग देखते हैं तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था पिछले साल का 13.4% ऑफ द जीडीपी था, तो वो जो टोटल साइज था वो कम हो गया है, 12.7 तक आ गया है, तो टोटल साइज का हुआ है। और जहां तक देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल हम लोगों को याद में रखना पड़ेगा कि रेल बजट अलग से था, तो रेल बजट छोड़ के जहां तक कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1.86% ऑफ द जीडीपी एक्सक्लूडिंग रेल था, और इस बार रेल को जोड़ के 1.84 हुआ है। रेल को छोड़ तो मतलब रेल को जोड़ के भी कम, रेल को अगर छोड़ देते हैं लास्ट हिसाब से फिर 1.51 है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। और खास करके जो रेगा का बात हो रहा है, अब रिवाइज एस्टिमेट आप जो बोल रहे थे, रिवाइज एस्टिमेट देखे तो 47,400 करोड़ रेगा में था, तो इस बार बढ़ोतरी कितना, सिर्फ 600। इन्फ्लेशन अगर देखेंगे तो इसमें बढ़ोतरी है ही नहीं, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का बजट है। और खास करके स्थिति जो है पूरा शार्प गिरावट है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में गिरावट है, जॉब लॉसेस हो रहा है, फार्म इनकम में डिक्लाइन। लेकिन एक बात ये भी तो देखिए कि फिस्कल डेफिसिट जिस तरह की थी उसको भी कंट्रोल में रखना था, तो सरकार ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। बैलेंस बनाने का कोशिश जरूर हुआ है, मगर आपको तो रियल साइज देखना पड़ेगा। जो बजट का टोटल साइज था वो साइज में ही कंट्रक्शन हो गया है। रेटोरिक तो ठीक है, और कुछ फिस्कल डेफिसिट टारगेट में नहीं अचीव करने का काम हुआ एक्सपेंडिचर रिडक्शन से, मगर आम तौर पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्टरी बजट है। जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? खास तौर से मैं इस संदर्भ में भी जानना चाहूंगी कि सरकार का पूरा जोर जिस तरह का बजट पेश किया गया है उसमें ऐसा लगता है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने पर सरकार का ज्यादा जोर है, तो उस नजरिए से देखें तो यह बजट कैसा रहा? देखिए, जैसा आप पहले भी कह रही थी, मैं इस बजट को इस तरीके से देखता हूं कि इस बजट का जो परिप्रेक्ष्य था या जो बैकड्रॉप था वो डेफिनेटली डीमोनेटाइजेशन है, और उसके बाद और बहुत सारे सेक्टर्स जिन पर फोकस किया गया है वो क्लियरली ये दर्शाता है कि कुछ हद तक जो है वो डीमोनेटाइजेशन के पेन को कम करने की कोशिश की गई है थ्रू बजटरी प्रोसेस। तो एक तो बजट का ये पहलू है, और दूसरा पहलू जो बजट का है वो ये है कि ये एक किस्म की कंटिन्यूटी भी जो है वो देना चाहता था। अगर इसको आप पिछले 1-2 साल के बजट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 1-2 साल के बजट में जो फोकस है वो रूरल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, तो वो फोकस इस बजट में भी है। तो कुल मिलाकर के किसी भी किस्म के गेम चेंजिंग या यूं कहें ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की तरफ ध्यान ना दे करके एक किस्म से कंटिन्यूटी मेंटेन की गई है, और साथ में जो इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड ट्रांसफॉर्मेटिव बजट से आपका क्या मतलब है?
कहने का मतलब ये है कि कुछ इस किस्म के कदम उठाए जा सकते थे जो कि इकोनॉमी के लिए हो सकते, जैसा कि अभी कह रहे थे कि जहां तक अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो पिछले कई सालों में, मतलब मेरी समझ से 2004-05 के बाद कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा रहा ही नहीं है। तमाम पिछली कई बजटों में ये क्लेम किया गया कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, पर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो वही का वही खड़ा है, इनफैक्ट इस बार और कम हो गया जी। तो ऐसी स्थिति में जो ये सारी एलोकेशंस की बात होती है कि जैसे रोड सेक्टर में जो है आपने एलोकेशंस बढ़ा दिया, रेलवेज में एलोकेशंस बढ़ा दिए, पर अगर नेट नेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 जो था वो इट इज 1.51 हाफ हो गया है। हाँ, मतलब वही मैं कह रही हाफ हो गया है, वही मैं कह रहा हूँ कि 2000 अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया है तो ओवरऑल जो गरीब और मध्य वर्ग है उसे क्या आप देखते हैं कि उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ सिवाय इसके कि कुछ टैक्स में रियायत मिल गई? आप इसको इस कुछ टैक्स में रियायत मिल गई, कुछ जो आपने जो जैसे मनरेगा में आप कह रहे हैं, अच्छा वो भी ये है कि जो आपका एलोकेशन था मनरेगा में वो 38,500 करोड़ का था, वो एक्चुअली डिमांड से कम था बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, वो इस साल ऑलरेडी बढ़ गया, तो आपको एक्चुअली यू एंडेड अप स्पेंडिंग 47,400। अब आपने उसको अगर 48,000 किया है तो कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई है उस स्कीम में जिसकी वजह से जो है आप जो पेन है जो कि कंटिन्यू करने वाला है अगले फिस्कल ईयर में भी उस पर कोई खास पड़ेगा। चंदन मित्रा जी, क्या आप इसके बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल बता सकेंगे कि सरकार ने ज्यादा ध्यान कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर क्यों नहीं दिया? अरे 4,00,000 करोड़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अलॉटमेंट हुआ है कि रेलवेज, रोडवेज, रिवर और सब कुछ मिला के यातायात के साधन और बढ़ाने के लिए, इसको सुगम बनाने के लिए और इसके जरिए नए बंदरगाह बने, नई सड़कें बने, देश को पूरे तरह कनेक्ट किया जाए सड़कों से, इसके लिए करीब 4,00,000 करोड़ का इस बार एलोकेशन है, जो किसी भी बजट से आप तुलना कीजिए वो सबसे ज्यादा है। और इसमें तो साफ साफ ये जाहिर है कि आपके इसके चलते नौकरियां मिलेंगी, लेबर को काम मिलेगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, अभी तक तो हर एक सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगी। और इसको ध्यान में रखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1% या 0.5% कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा हुआ, मैं समझता हूँ कि इससे आम आदमी का कोई लेना देना है नहीं और इससे कोई फर्क नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, चंदन मित्रा जी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में 4,00,000 करोड़ का आवंटन किया गया है तो इससे आप ये देख रहे हैं कि इससे जॉब बढ़ेगा, लेकिन तमाम विपक्ष के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जॉब बढ़ाने के लिए कोई खास प्रयोजन इस बजट में नहीं किया गया है। और अगर पिछला इतिहास देखें तो पिछले साल 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख नौकरियां मिल सकी हैं, तो क्या इस तरह के इस बजट से या इस तरह के आवंटन से आप लोग कुछ वादा कर सकते हैं या कोई एस्टिमेट दे सकते हैं कि इस बजट से इतने लाख या इतने करोड़ नौकरियां बढ़ेंगी, युवाओं को इसका फायदा होगा? सरकार वचनबद्ध है नई नौकरियां और पैदा करने के लिए कि युवाओं को नौकरी मिले, उनको बेहतर नौकरी मिले। वो उनके प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है इससे स्किल्ड लेबर की तादाद बढ़े ताकि उनको अच्छी नौकरियां मिले, तो ये इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्चा बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से हर साल और नौकरियां और बढ़ रही हैं और सरकार वचनबद्ध है इसको बढ़ाने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो इन्वेस्टमेंट है इस समय, इससे तो नौकरियां बढ़ने को ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, रूरल हाउसिंग, देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग इंडस्ट्री को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर घोषित कर दिया गया, इससे जो फायदा होगा और गांव में और शहर के जो गरीब हैं उनके लिए जो घर बनेंगे, करीब 10 करोड़ घर और अभी और बनने हैं अगले 5 साल के अंदर, इसमें जॉब्स नहीं मिलेंगे तो कहां जॉब्स मिलेंगे? अब हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इन सब चीजों से तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार
का दृष्टिकोण और सरकार का नजरिया बहुत साफ है और नए जॉब क्रिएशन में बहुत ध्यान दिया जा रहा है और आप देखते रहिए हर साल नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रहा है और इस बजट के बाद तो जरूर काफी हद तक ये छलांग लगा के बढ़े जी। उम्मीद है और सब यही चाहते हैं कि ये छलांग लगा के बढ़े, लेकिन जो लोग इसको माइन्यूटली रीड कर रहे हैं इस बजट को, उनसे भी हम इस बारे में राय लेते हैं। राजीव गौड़ा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, असल में जो अभी चंदन मित्रा जी ने बोला उसमें उनका ये दावा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर कुछ कमी भी आई है, मगर आप ओवरऑल देखें तो हमने 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन किया है। अगर 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन हुआ है जिसमें हर गांव को बिजली देने की बात की गई है, 10 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई है, ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि अगर इन सब चीजों में काम होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। तो फिर आप लोगों को ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि रोजगार बढ़ेंगे सरकार अगर ये वादा कर रही है तो? क्योंकि ये सरकार का जो टेक्निक है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट और वेरी वेरी पुअर डिलीवरी एग्जीक्यूशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सब में देखिए, आप वर्षों से सर्व स्वच्छ भारत अभियान में देखिए जो टारगेट है वो नहीं मिल रहा, नहीं कंस्ट्रक्ट किया रहा है। डिजिटल इंडिया में टारगेट्स बड़े हैं पर मीट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कम है। ऐसे होता है पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग जो वो अनाउंस कर रहे हैं ऐसे करते हैं तो जॉब जरूर बढ़ेगा। पर जैसे मोदी जी के इलेक्शन स्पीच में 1 करोड़ 2 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस किए, इस साल 1.5 लाख जॉब्स भी नहीं किया का, का, नहीं सृष्टि कर सकता है। तो इस ऐसा सिचुएशन में हम बहुत निराश है। एक और चीज मैं इसमें पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने 4 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की तो बात, 4 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात की, लेकिन उसके लिए आय कहाँ से होगी सरकार की, उसके बारे में थोड़ा म्यूट है। ऐसा लगता है कि उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया। आप दोनों में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि सरकार की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने तो? जो दिक्कत हो रहा है वो अनाउंसमेंट तो अनाउंसमेंट के तहत हो रहा है। जैसे ये 2 करोड़ जॉब, ये तो सिर्फ पिछले साल का नहीं, जब से ये सरकार सत्ता में आया उसके पहले ही ये जिक्र किया गया था हर साल 2 करोड़, तो अभी तक 6 करोड़ के आसपास जॉब मिलने चाहिए था मगर रियलिटी वो नहीं है। और खास करके जो बोला जा रहा है ना, ये जो मान लीजिए फार्मर्स का डेवलपमेंट में इतने बड़े बड़े बात आज किया गया, अगर आप देखेंगे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि लास्ट रिवाइज एस्टिमेट में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है इसका जो रिवाइज एस्टिमेट है 1.98% ऑफ द जीडीपी, अभी बजटरी एलोकेशन में 1.95 हो गया है, तो गिरावट आ रहा है। और एक्चुअली इन्फ्लेशन है, पिछले साल ए डॉक्टर चंदन मित्रा जो बात बोल रहे इतना पैसा का अलॉटमेंट किया गया मगर वो तो हर साल आगे जाएंगे तो अलॉटमेंट बढ़ेगा मगर तो परसेंटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने एक तरफ ये बात भी कही, वित्त मंत्री के स्पीच में ये बोला गया कि जब आप खर्च नहीं कर पाएंगे तो अलॉटमेंट बढ़ा के क्या फायदा, खर्च तो हो रहा है खास करके जी जी। मित्रा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनरेगा में तो यही हुआ, खर्च किया गया, वाकई खर्चा किया गया जो कि पिछले सरकारों ने नहीं किया, यही फर्क है जी। लेकिन मनरेगा को तो इसी नजर से देखा जा रहा है ना कि क्योंकि नोटबंदी का असर छोटे मझोले उद्योगों पर पड़ा और बाकी उद्योगों पर पड़ा, जिसकी वजह से जो छोटे काम करने वाले मजदूर थे वो अपने गांव में लौटे और वहां मनरेगा की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको मीट करना मुश्किल हुआ, इसलिए बजट आवंटन करना पड़ा। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स के बारे में क्या आप यही कहेंगे? ज्यादा तो नहीं बढ़ी, नहीं इतना तो असर नहीं हुआ। ये सब सारे जो यहाँ शहरों में काम कर रहे थे सब छोड़ के चले गए घर में, ऐसा तो है नहीं। और अब तो नोटबंदी का असर कम क्या धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, तो अब तो ग्रोथ बढ़ेगा हाउसिंग सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में, तो जो गांव गए थे कुछ समय के लिए वो वापस आ जाएंगे। तो लेकिन गांव का सुधार साथ साथ भी करना जरूरी है, इसलिए मनरेगा हो, अफोर्डेबल रूरल हाउसिंग हो और बाकी जो सारे
स्कीम्स की घोषणा की गई है, किसानों की आय बढ़ाने की बात है, ये सारा कुछ जब होने लगेगा तो गांव और शहर दोनों में खुशहाली बढ़े, यही सरकार का लक्ष्य है और उसकी तरफ एकदम सरकार कटिबद्ध होकर आगे बढ़ रही है। जी सुनील जी, मैं एक चीज और आपके ध्यान में ले आना चाहूंगी। सरकार ने कुछ आंकड़े दिए जिसमें बताया कि 80 लाख तक नोटबंदी के बाद जो 80 लाख तक जमा करने वाले लोग हैं वो करीब करीब 1.5 लाख के करीब हैं या 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच का कुछ आंकड़ा दिया था, मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है। और 2 लाख से 80 लाख के बीच जो लोगों ने जमा किया है उसका आंकड़ा करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। तो सरकार के पास आंकड़े हैं कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते थे वो लोगों ने बढ़ चढ़कर इस नोटबंदी के बाद पैसे जमा कराए बैंकों में। जब ये आंकड़ा है तो सरकार ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए क्या, कोई रोड मैप सुझाए आपको इस बजट में नजर आया? अगर ये रोड मैप नहीं आया तो कहां से सरकार अपनी इनकम बढ़ाएगी ताकि इन सब चीजों पर खर्च कर सके? देखिए, सरकार ने कोई रोड मैप तो नहीं दिया है, पर यह बात जरूर है कि ये आंकड़े जो हैं अब उनके कम से कम इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनके पास हैं, तो आने वाले समय में जो है वो इन आंकड़ों को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं कि जिन लोगों ने इस किस्म की जो है पैसे जमा किए हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो जो आंकड़े वो घोषित कर रहे हैं वो कमेंसुरेंट है जिस किस्म के पैसे उन्होंने जमा किए थे नोटबंदी के दौर में। तो ये तमाम चीजें जो है एक तरीके से ये एक किस्म का इंटेलिजेंस जो है उनके पास अवेलेबल है। अब इशू ये है कि इस इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस हद तक नहीं, करते तो क्या हैं? क्या आपको ये उम्मीद नहीं थी कि इस बजट में इसका इस्तेमाल कैसे आगे आने वाले दिनों में करना है, उसका कोई रोड मैप आए? अभी तो आप स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद ये एक प्रोसेस है, आप इमीडिएटली जो है 2 दिनों के अंदर जो है उसके ऊपर कार्यवाही करके आप उनको, अगर वो टैक्स नेट में नहीं है तो टैक्स नेट में नहीं ला सकते हैं। ये एक जो विषय है जो थोड़े सा इसके लिए सरकार ने एक और चीज कही, मैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। सरकार ने कहा कि काला धन को रोकने के लिए भी वो कुछ अलग से काम करना चाहती है, लेकिन उसके वो काला धन को आइडेंटिफाई करने के लिए या रोकने के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्या इनकम टैक्स के मशीनरी के जरिए वो आगे बढ़ेगी या उसके लिए कोई अलग मशीनरी इनकम टैक्स जैसी क्रिएट होगी? इसके बारे में भी कुछ स्पष्टता नहीं नजर आई। देखिए, काला धन जो है वो आप सिर्फ थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं रोक सकते हैं कि अगर आपने कानून सख्त कर दिए, रेड्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए तो ये काला धन को रोकने का सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए ऑब्वियसली जो है आपको और बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें एक कदम सरकार ने इस बजट में अनाउंस किया है जो पॉलिटिकल फंडिंग का है। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में जिस किस्म की डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी वजह से काला धन का जनरेशन होता है, तो वो तमाम जो वो रास्ते और एवेन्यूज जो हैं वो इकोनॉमी में जो कि डिस्क्रिशन का स्कोप रखता है और जिसकी वजह से काला धन जनरेट होता है, जब तक उन सब पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आईटी इंटेलिजेंस की वजह से आप काले धन पे अंकुश नहीं लगा, वो एक जरिया हो सकता है कुछ हद तक। मतलब आप ये मानते हैं कि राजनीतिक फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया वो भी एक तरह से काला धन को रोकने के पक्ष में जा सकता है? आखिरी कमेंट में राजीव गौड़ा जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या जिस का बजट आया है और स्पेशली जो राजनीतिक स्वच्छता और स्वच्छता के लिए जो सरकार ने एक कदम उठाया कि 2000 से कम के पैसे को ही आप चंदे के रूप में दे सकते हैं, उसके बाद का सारा ब्यौरा जो है वो सामने ले आना पड़ेगा या ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, इससे आप लोग खुश हैं और इसे क्या एक काला धन रोकने के दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है? पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करना बहुत अर्जेंट नेसेसिटी है और उसके लिए उसके साथ सहमत है, पर ये जो 20,000 से 2,000 तक चेंज करने में मेरे ख्याल में कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और अननेम डोनर्स का लिस्ट और बढ़ेंगे। सो और ये पॉलिटिकल बॉन्ड्स जो है फंडिंग बॉन्ड, उसके बारे में और भी
अध्ययन करना है कि उसका डिटेल्स उतना स्पष्ट नहीं है, पर ये तो अच्छा अच्छा मूव है। हम सब पार्टियों इकट्ठे बैठ के सॉल्यूशंस लेना है पर मैं और एक बात करना चाहता हूँ कि अनेक क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में देखिए इन्वेस्टमेंट तो गिर गया है और बैंकिंग सेक्टर बहुत मुश्किल में है और इन दोनों के बारे में सरकार उतना काम नहीं किया है इस बजट में और ये इसके लिए हम बहुत निराश हैं। जी हालांकि प्राइवेट सेक्टर एमएसएमई को तो थोड़ा सा रियायत देने की कोशिश की गई है, 5% के टैक्स छूट देकर उसको रियायत देने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। और दूसरा बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा बहुत उबारने की कोशिश की गई है, 10,000 करोड़ का रीकैपिटल 50 करोड़ उसको छूट देने का है, एमएसएमई में एनुअल टर्नओवर जिसका 50 करोड़ होगा उसको छूट देने की बात कही गई है। लेकिन अगर संक्षेप में वन लाइन में आपका जवाब चाहें कि इस ओवरऑल बजट को जनता के हित में आप कैसे देखते हैं? तो कॉन्ट्रेक्शनरी है, जनता के खिलाफ है। चंदन मित्रा जी आपका आखिरी कमेंट। जी मुझे हाँ मैं काफी देर से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको काला धन के खिलाफ जो संघर्ष या युद्ध नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है उसको आप एक कोई एक इशू को लेके या एक कदम को लेके आप इसके ऊपर जजमेंट में नहीं बैठ सकते। अब पूरा जो डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम है, डिजी धन और डिजी ग्राम की योजना और कैशलेस और एटलीस्ट लेस कैश इकोनॉमी बनाने का जो सरकार का संकल्प है, इसी से काला धन को काफी हद तक, मैं समझता हूँ बहुत हद तक, इसको नियंत्रण कर लिया जी, सरकार के और पास साथ पॉलिटिकल फंडिंग, इसकी बात राजीव गौड़ा जी ने कही जी। ये तो है ही एक बहुत बड़ा कदम, बेनामी ट्रांजैक्शंस भी रोका जाएगा, सब कुछ ले दे के मैं समझता हूँ सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है काला धन को नियंत्रण में लाके उसको समाप्त करने के लिए और उस पैसे को जनता के हित में काम में लाने के लिए। जी तो सरकार के पास 32 महीने का वक्त है और इस बीच में जो सरकार ने तमाम तरह के वादे किए हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसे पूरा करने की तरफ भी उतना ही अग्रसर होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने की जोखिम क्यों नहीं उठाया या राजनीतिक एडवांटेज क्यों नहीं लिया, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।